हेलो दोस्तों, ये कहानी एक जॉन नाम के लड़के के ऊपर है जो अपने पेरेंट्स के बाहर जाने के बाद लड़कियों को घर बुला बुला कर खूब मज़े करता है। और आगे इस मूवी में क्या क्या करेगा हम स्टोरी में देखेंगे। इस फिल्म का नाम है रिस्की बिजनेस, जो 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम जोल को देखते हैं जो स्कूल से अपने पड़ोसी के घर चला जाता है। घर का दरवाज़ा खुला था इसलिए वह अंदर चला जाता है और बाथरूम में आवाज़ सुन बाथरूम में चला जाता है। वह देखता है एक लड़की नहा रही होती है। अब वह लड़की जोल को देख बोलती है, क्या तुम मेरी पीठ रगड़ सकते हो। जोल लड़की के पास पहुंचता है पर यह क्या, उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वह सपना देख रहा था। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं जोल का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जोल के घर आता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जोल के पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। फिर वो दोनों जोल के रूम में जाकर टपाटप करने लगते हैं। अब जोल उनकी आवाज़ें सुन इरिटेट हो जाता है और अपने डैड की कार लेकर बाहर चला जाता है। अब अगले सीन में जोल का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारा घर खाली है इसलिए हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब वह आज रात को एक लड़की बुक कर लेता है। जोल उस पर बहुत गुस्सा करता है। फिर वो उसी नंबर पर फ़ोन करके लड़की की बुकिंग कैंसिल करना चाहता है पर वो नंबर नहीं लगता है। अब रात को दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजे पर लड़की की जगह एक लड़का लड़की के गेटअप में आता है। अब वह गुस्से में अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर वह दरवाजे पर खड़े बेटे को जाने को बोलता है। अब वो जाने से पहले अपना सर्विस चार्ज मांगता है। अब जोल को अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। अब जाते जाते वो जोल को एक लड़की का नंबर देता है और कहता है, तुम इसे फ़ोन कर लेना, ये तुम्हें चरम सुख दे देगी। अब जोल उस नंबर पर फ़ोन करके एक लड़की को बुला लेता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर लारा नाम की लड़की आती है। उसे देखते ही जोल उस पर टूट पड़ता है और वो दोनों पूरी रात टपाटप करते हैं। अब अगले दिन लारा जोल से अपने सर्विस के $200 मांगती है और जोल के पास $1 भी नहीं होता है। अब जोल पैसे लेने बैंक जाता है और पैसे लेकर वापस आता है तो देखता है लारा वहाँ से जा चुकी है और उसके माम की बहुत महंगी चीज़ लेकर चली जाती है। यह देख जोल घबरा जाता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर लारा को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन लारा जोल को दिखती है और लारा जोल से कहती है, मुझे यहाँ से तुम कहीं ले चलो क्योंकि मेरा मैनेजर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब जोल लारा से बोलता है, पहले तुम मेरी मॉम की चीज़ वापस करो तब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लारा बोलती है, मैं तुम्हें वो वापस कर दूँगी, अभी तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। जोल गाड़ी भगाता है और लारा का मैनेजर उसका पीछा करने लगता है। फाइनली जोल उसे चकमा दे ही देता है। जोल लारा से पूछता है, मैनेजर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था। तब वो बोलती है, उसने मैनेजर से पैसे उधार लिए थे। अब लारा पूछती है, क्या वो आज रात उसके घर पर रुक सकती है। जोल हाँ बोल देता है। अब दूसरे दिन जोल स्कूल जा रहा होता है तो लारा से जाने को कहता है। लारा कहती है, तुम स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगी। अब जोल स्कूल जाकर वापस आता है तो देखता है उसका दोस्त उसके घर से निकल रहा था। जोल पूछता है, क्या तुम लारा के साथ टपाटप कर रहे थे। तो वो कहता है, नहीं, मैं उसकी दोस्त के साथ टपाटप कर रहा था। अब जोल घर में आकर लारा से कहता है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। वो जोल को पैसे भी ऑफर करती है पर जोल उन्हें घर से जाने को बोलता है और जोल लारा और उसकी दोस्त को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही लारा का मैनेजर आ जाता है इसलिए वो दोनों भागकर फिर से जोल के घर चली आती हैं। फिर मैनेजर जोल को धमकी देता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। फिर घर में लारा जोल को बोलती है वो कुछ दिन तक यहीं पर रहेगी और उसके पेरेंट्स के आने से पहले यहाँ से चली जाएगी। अब रात को लारा और जोल ड्राइव पर जाते हैं तो लारा कहती है, तुम्हारे सारे दोस्त बहुत अमीर हैं तो तुम क्यों नहीं अपने घर में एडल्ट क्लब का बिजनेस शुरू करते हो। इस पर जोल कहता है, तुम ये सब क्यों करती हो। लारा बताती है कि जब वह छोटी थी तो उसके स्टेप फादर उसका फ़ायदा उठाया करते थे इसलिए वो घर से भाग गई और तभी से वो ये काम कर रही है। तभी अगले सीन में एक ट्रेजेडी हो जाती है। जोल की कार अपने आप सड़क कर पानी में गिर जाती है। अब वो परेशान हो जाता है क्योंकि यह कार उसके डैड की लग्जरी कार थी। अब कार रिपेयरिंग में जाती है तो जोल को बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है पर जोल के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए वह लारा के पास जाता है और उसका बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो दोनों अपने अपने कॉन्टैक्ट को यूज़ करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं।
और जोल के घर कस्टमर और लड़कियों की भीड़ लग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं, लारा जोल के पास आती है और कहती है, हमने बहुत से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और तुम आगे जाकर बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। अब जोल और लारा के अंदर भी सनसनी चढ़ती है और वह टपा टप करने के लिए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहाँ जैसे ही ट्रेन खाली होती है वो एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अब जोल डैड की कार रिपेयर कराकर घर लाता है। अब जोल जैसे ही घर आता है तो देखता है उसके घर का सारा सामान गायब है। अब वो लारा को फ़ोन करता है पर लारा का फ़ोन मैनेजर उठाता है और जोल से बोलता है, मैंने ही तुम्हारा सामान चुराया है। वो मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका सारा सामान वापस कर दे क्योंकि उसी दिन जोल के पेरेंट्स भी वापस आने वाले थे। फिर मैनेजर सारा सामान लेकर घर के बाहर आता है और कहता है, तुमने अपने बिजनेस से जो भी पैसे कमाए वो तुम मुझे दे दो। अब जोल सारे पैसे मैनेजर को दे देता है। फिर जोल अपने दोस्त के साथ फटाफट सारे सामान एज इट इज़ कर देता है। फिर उनके पेरेंट्स घर आते हैं और उसकी मॉम कहती, तुमने मेरे एंटीक पीस पर क्रैक डाल दिया है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं जो कि मुलाकात लारा से होती है और वो अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।